दोस्तों आज हम अदानी पावर लिमिटेड और अदानी विमा लिमिटेड को डिस्कस करेंगे, साथ में अदानी ग्रुप को डिस्कस करने वाले। अदानी ग्रुप को लेकर लगातार बहुत सारी अपडेट निकल के आ रही है, जिनको एक एक करके जानना हमें जरूरी है, क्योंकि हर घंटे हमें नई अपडेट देखने को मिल रही है। वैसे अगर आप देखें तो सुबह भी हमने अदानी ग्रुप के ऊपर वीडियो बनाया था, उसके बाद में 3-4 नई अपडेट आ गई है। यहाँ पे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण की तरफ से बहुत बड़ा बयान निकल कर आया है, क्या है वो बयान उसको जानने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ हिंडनबर्ग के फाउंडर नाथन की तरफ से भी एक बहुत ही बड़ा चौंकाने वाला बयान निकल कर आया, क्या है वो बयान उसको भी जानेंगे। और अदानी ग्रुप ने एक बहुत ही बड़ा चौंकाने वाला फैसला लिया है, जिस तरह से काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बन रहा है यहाँ पे दूसरी बैंकों से, इंडिया की बैंकों से जो लोन लिया उसको लेकर, तो यहाँ पे उन्होंने एक बड़ा फैसला किया है, क्या है फैसला जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और आने वाले समय में क्या संभावना बन सकती है अदानी ग्रुप को लेकर, इन सारी बातों को इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन फ्रेंड उससे पहले, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स अदानी पावर की बात करें, स्टॉक 164 पर आ चुका है, जहाँ पे 5% का लोअर सर्किट लगा और अदानी पावर बहुत तेज़ी से पिट रहा है। आपको ये पता होगा ये स्टॉक लगातार दौड़ा भी बहुत ही ज़बरदस्त है। कोविड काल में ये 28 के आसपास था, वहाँ से ये 400 को पार कर गया है, लेकिन अब लगातार गिर रहा है। पिछले एक साल के हिसाब से देखें तो अभी भी इसमें 44% की तेज़ी देखने को मिल रही है, 113 के आसपास था। लेकिन 6 महीने में स्टॉक देखे तो 52% गिर चुका है, 345 से आप देख सकते हो 164 के आसपास आ चुका है। और सिर्फ 1 महीने की बात करें स्टॉक 40% गिर चुका है, यानी लगातार बहुत भारी गिरावट हुई है। अदानी विमा लिमिटेड की बात करें, स्टॉक 434 पर आ चुका है, 1.21% की गिरावट हुई है। और आप देख सकते हो कि अदानी विमा लिमिटेड रिजल्ट अपना दिया इस बार काफ़ी अच्छा रहा है, लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखें तो अदानी विमा लिमिटेड को भी बड़ा झटका लगा है। इनको देखें तो अभी S&P BSE IPO इंडेक्स से बाहर कर दिया गया है। तो ये देख सकते हो कि आप जो 50-50 पार्टनरशिप का जो इंडेक्स है, जिसमें S&P डाउ जोन्स और इसके अलावा आप देख LLC इंडिया की BSE की पार्टनरशिप है, और इस इंडेक्स से अब यहाँ पे बाहर निकाल दिया गया है यहाँ पे अदानी विमा लिमिटेड को, और ये 20 फरवरी से इस इंडेक्स का हिस्सा नहीं होंगे। तो एक झटका लगा है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इस बार रिजल्ट अच्छा दिया कंपनी ने, जैसी कल्पना नहीं थी उससे अच्छा रिजल्ट मिला है। आप देख सकते हो दिसंबर 2021 में जहाँ पे इनका रिवेन्यू 14,379 के आसपास था, इस बार वो बढ़ के 15,438 के आसपास पहुँच गया है। तो पिछले एक साल में देखें तो वृद्धि अच्छी हुई है रिवेन्यू में। अगर हम इनके प्रॉफिट की बात करें, दिसंबर 2021 में 211 करोड़ के आसपास था, जो इस दिसंबर में बढ़ के 246 करोड़ तक पहुंच गया। तो आप देख सकते हो प्रॉफिट में भी अच्छी खासी इजाफा हुआ है, जबकि अगर देखें तो पिछले क्वार्टर में तो ये जो इनका प्रॉफिट था 2 डिजिट में आ गया था, लेकिन इस बार ज़बरदस्त बाउंस बैक दिया। लेकिन जिस तरह से माहौल बिगड़ा हुआ उसका फायदा देखने को नहीं मिल रहा है, वरना अपर सेगमेंट में स्टॉक बहुत ऊपर तक जा सकता था। अब यहाँ पे देख सकते हो अदानी ग्रुप के ऊपर जिस तरह से उनकी साख के ऊपर बट्टा लग रहा है, लगातार जिस तरह से बहुत सारे उनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं, ऐसे में उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला किया है। इन्होंने अपने जो शेयर है वो SB कैप ट्रस्टी के पास गिरवी रखने का फैसला किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अपने लैंडर्स के बेनिफिट के लिए अदानी ग्रुप ने एक बड़ा फैसला लिया है कि अपनी कंपनियों के शेयर SB कैप ट्रस्टी के पास गिरवी रखिए। तो यहाँ पे जो लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है, अदानी ग्रुप ने यहाँ पे जानकारी दी है कि उन्होंने अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन के करीब 75 लाख शेयर, यानी लगभग 0.35% के शेयर SB कैप ट्रस्टी के पास गिरवी रखे हैं। इससे पहले देखें तो ऑलरेडी 0.65% के शेयर गिरवी थे, अब वो लगभग 1% हो गए। और जैसे कि शेयरों की प्राइस नीचे आई, ऐसे में जो इनके लैंडर्स से जिन्होंने शेयरों के बदले में इनको लोन दिया है, उनके फायदे के लिए, उनको राहत देने के लिए इन्होंने शेयरों की संख्या बढ़ा दी है। और अब वो देख सकते हो कि यहाँ पे 1% की होल्डिंग है जो अब SB कैप ट्रस्टी के पास, ये आप देख सकते हो गिरवी शेयरों की संख्या हो चुकी है। और इसी तरह देखें तो अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड के भी 13 लाख शेयर गिरवी रखे गए, यानी 0.11% की जो होल्डिंग है वो गिरवी रखी है। और इससे पहले 0.44% के शेयर ऑलरेडी पहले से गिरवी थे, तो अब ये SB कैप ट्रस्टीशिप के पास देखें तो 0.55% के शेयर गिरवी हो गए, यानी जो उनके लैंडर्स है उनको इस समय थोड़ा टेंशन होगा, वो कम हो जाएगा। इसके अलावा अदानी ग्रीन्स के जो शेयर है 60 लाख शेयर गिरवी रखे, यानी 0.38% के शेयर गिरवी रखे SB कैप ट्रस्टी के पास। ऑलरेडी पहले देखें तो यहाँ पे 0.68% के शेयर इनके गिरवी थे, और अब 1.06% के शेयर टोटल गिरवी हो गए।
तो कुल मिला के देख सकते हो जो भी इनके लेंडर्स हैं उनको किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो और उनका भरोसा बना रहे, इसीलिए जैसे इनके शेयरों की प्राइस नीचे आई इन्होंने और शेयर बढ़ा के उनको दिए गिरवी के तौर पे, जिससे उनकी रकम है वो सुरक्षित रहे। तो काफ़ी बड़ा फैसला लिया गया जिससे एक थोड़ा सा विश्वास बनेगा उनके लेंडर्स के बीच में। लेकिन इसके बीच में देखें तो मूडी की तरफ से इनके कुछ जो रेटिंग को स्टेबल से निगेटिव कर दिया गया है, उसकी वजह से थोड़ा सा माहौल यहाँ पर आप देख सकते हो कि थोड़ा सा निगेटिव बना, उसकी वजह से हमें प्राइस भी नीचे आते हुए दिखाई दी। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, जैसे कि लगातार कहा जा रहा है कि हिंडनबर्ग के ऊपर यूएसए में बैन लग गया है, तो यहाँ पे हिंडनबर्ग की तरफ से उनके जो फाउंडर है नाथन, उन्होंने यहाँ पे क्लियर किया है कि ये जो खबरें निकल के आ रही है कि उनके ऊपर बैन लगा है, ये बात में कोई सच्चाई नहीं है। उन्हें किसी भी प्रकार का किसी बैन का सामना नहीं झेलना पड़ रहा है, यानी उनकी कंपनी के ऊपर किसी भी प्रकार का बैन नहीं लगा है। हिंडनबर्ग की तरफ से कहा गया कि ना उनके ऊपर कभी बैन लगा है, न ही उनके बैंक के खातों को सीज किया गया है। इसके अलावा कंपनी के ऊपर कोई किसी प्रकार की जांच नहीं चल रही है, यानी एक तरह से जो खबरें निकल गया उन सब खबरें को उन्होंने खारिज किया है कि हमारे ऊपर किसी प्रकार की कोई जाँच नहीं चल रही है। और आप देखें तो दूसरी तरफ अदानी ग्रुप ने भी हिंडनबर्ग को कानूनी कार्रवाई के तहत फंसाने के लिए वॉच टेल को हायर किया, जो सबसे बड़ी लीगल फॉर्म है अमेरिका की। और आप देख सकते हो कि अब वो केस लड़ेगी अदानी ग्रुप की तरफ से, क्योंकि जिस तरह से उनकी इमेज को यहाँ पर डेंट लगा है उसको एक ही तरीका है कि ये जो इसकी भरपाई है हिंडनबर्ग से की जाए। हिंडनबर्ग की बात, ये कंपनी की शुरुआत एंडरसन ने 2017 में की थी। उसके बाद में अगर आप देखें तो लार्ड्स टाउन मोटर्स कॉरपोरेशन अमेरिका की कंपनी की इन्होंने रिपोर्ट पेश की थी। इसके अलावा कांडी चीन की कंपनी है, इसके अलावा निकोला मोटर कंपनी अमेरिका की, और आप देखें तो क्लोवर हेल्थ अमेरिका की कंपनी है, टेक्नोक्लास कोलंबिया कंपनी, और अब इसके बाद देखें तो हिंडनबर्ग ने अदानी ग्रुप और इसके पहले वेल टॉवरिंग के ऊपर भी रिपोर्ट जारी की थी। और उसके बाद में इन कंपनियों की शेयरों की ज़बरदस्त गिरावट भी हुई। अब जैसे कि सुप्रीम कोर्ट से कुछ टिप्पणी निकल कर आई है कि जिस तरह से निवेशकों को नुकसान हुआ, इसके सेबी को कुछ कदम उठाने चाहिए, इनके लिए कुछ और अलग से नई व्यवस्था करनी चाहिए, तो यहाँ पे देखिए तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने इसी के ऊपर कहा है कि भारत में काम करने वाली रेगुलेटरी संस्थाएं काफ़ी अनुभवी है, उन्हें अपने क्षेत्र की पूरी समझ है, रेगुलेटर इस मुद्दे पर काम कर रहे हैं, हमेशा की तरह ही अपना एडी छोटी का जोर लगाए हुए है, तो ये मैं उनके ऊपर ही छोड़ देती हूँ। सीतारमण ने आगे कहा कि आप निश्चित तौर पर इसकी उम्मीद नहीं करते होंगे कि मैं आपको ये बताऊँ कि सुप्रीम कोर्ट से हम क्या कहेंगे। फ्राइडे को जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, उसमें देखें तो मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने जब इस मामले की सुनवाई की तो उसमें कहा कि भारतीय निवेशकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने के लिए चिंता व्यक्त की, साथ में सेबी और वित्त मंत्रालय से जवाब मांगा था। इस मामले में अगली सुनवाई अब सोमवार को होगी। तो आप समझ सकते हो कि जो फाइनेंस मिनिस्टर के जो वित्त मंत्रालय उनके अंदर में आता है, उनसे जो जवाब मांगा गया तो इसके ऊपर अब यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से कहा गया है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट में क्या जवाब देंगे इसके बारे में हम यहाँ पर उजागर नहीं करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की हिदायत दी है। साथ में उनका कहा कि सुप्रीम कोर्ट कोई भी ऐसी टिप्पणी नहीं करेगा जिससे बाजार प्रभावित हो। साथ में ही जांच कमेटी का प्रस्ताव भी रखा गया, जिसके इसके साथ ही जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि यह नीतिगत मामला है, हम इसमें नहीं जाना चाहते, यानी सरकार की नीति के खिलाफ हम नहीं जाएंगे, यानी जो सरकार चाहेगी उसमें उस हिसाब से वो जो कमेटी की जाँच करनी है वो करनी है, वो सरकार का मामला है। यानी एक तरह से देखें तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से कोई भी राय नहीं दी है। दूसरी तरफ देखें तो एक ये जो मामला निकला है उसके पहले ही फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से बयान निकल कर आ गया था। ऑलरेडी पहले भी उन्होंने कहा था कि एक ऐसे किसी विदेशी रिपोर्ट के आधार पर हमारे हिंदुस्तान में इकोनॉमी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, और यहाँ पे हमारी सारी की सारी जो एजेंसी है वो पूरी ईमानदारी से काम कर रही है और सब कुछ पारदर्शी तरीके से हो रहा है, इसलिए किसी को निवेशकों को डरने की कोई बात नहीं है। और चाहे LIC हो या SBI, उन्होंने भी अपने अपने बयान दे दिए, किसी को कोई नुकसान नहीं हो रहा, चाहे SBI हो या LIC। और अब तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे गौतम अदाणी की तरफ से बहुत बड़ा फैसला किया गया, जो भी उनके इंडिया के लेंडर्स हैं उनके जो शेयरों की प्राइस गिरी तो उन्होंने अपने एक्स्ट्रा जो शेयर है गिरवी रख लिए, जिससे उनका जो नुकसान हो रहा है वो नुकसान नहीं हो पाएगा और उनके जो अमाउंट के बदले में उनको एक तरह से अब सिक्योरिटी मिल पाएगी। तो यहाँ पर कुल मिला के डिसीजन लिए जा रहे हैं जो काफ़ी पॉजिटिव है, लेकिन आने वाले समय में और आगे क्या संभावना बनेगी ये हमें जानना होगा। तो यहाँ पर जो भी इन्वेस्टर जिन्होंने अदाणी ग्रुप में निवेश किया है उन्हें फिलहाल वेट एंड वॉच करना चाहिए, आगे की क्या सिचुएशन बने उसके हिसाब से ही निर्णय लेना चाहिए, अभी फिलहाल कोई भी फैसला ना करें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।